देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना पंडित मदन मोहन मामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की। पंडित मदन मोहन मालवीय कांग्रेस में देव पुरुष थे, उनका सम्मान चारों तरफ था। वो किसी तरह के उस तरह की राजनीतिक पचड़ों में कांग्रेस में नहीं पड़े जिस राजनीतिक पचड़ों में कांग्रेस में लोग पड़ा करते थे। कांग्रेस में उनके रहने का मतलब यह था कि वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस में नरमवादी नेता के रूप में कांग्रेस में सक्रिय रहे। तो नरमवादी नेता के रूप में नेहरू भी कांग्रेस में थे, गांधी भी कांग्रेस में थे। 1905 में जब बनारस में पहली बार कांग्रेस का महाअधिवेशन हुआ टाउन हॉल में, कृष्ण गोखले ने उसकी अध्यक्षता की थी और पंडित नेहरू कार्यकर्ता के रूप में 1905 में ही आए थे। लेकिन मालवीय जी का जो संबंध गांधी और नेहरू से था वो एकदम आत्मीय था। मालवीय गांधी का, गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय का संबंध तो थोड़ा बराबरी के स्तर पर हो सकता था, लेकिन नेहरू जी पंडित मदन मोहन मालवीय को अपना बड़ा भाई नहीं अपना नेतृत्वकर्ता भी मानते थे। और इसलिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण काल में नेहरू ने बहुत बड़ा योगदान दिया। वो कन्वोकेशन में भी आए, जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा था तो उस समय पंडित मदन मोहन मालवीय का उन्होंने सहयोग किया। चूंकि काशी का संबंध विवेकानंद से भी था, काशी का संबंध गोपाल कृष्ण गोखले से भी था, काशी का संबंध बाल गंगाधर तिलक से भी था, काशी का संबंध अरविंद से भी था। तो ये एक 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 जो आवरण स्वतंत्रता संग्राम में एक जो बुद्धिजीवियों का आवरण था, बुद्धिजीवियों का जो एक बहुत बड़ा समूह था जो कांग्रेस के भीतर था, उन सारे समूहों के बीच में मालवीय जी का संबंध था।